रीना देवी के पति हैं गुरुचरण मुंडा जी, तो इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य, शिक्षा और मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी अति महत्वपूर्ण जल नल योजना को हर घर पहुंचाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी झारखंड में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर जितने भी मुखिया अपने अपने उपलब्धियों के गिनाने में लगे हुए हैं, जो उन्होंने विकास किया है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, पेंशन हो, राशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या हर घर शौचालय की जो योजना है वो लगाने का काम किए हैं, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कांके प्रखंड में और पंचायत का नाम है चंदवे और यहाँ के मुखिया हैं रीना देवी। हालांकि उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। गाँव समाज में शादी है, विवाह है, कई तरह की जो मामले होते हैं उनको सुनने के लिए गए हुए हैं। हमारे साथ हैं उनके पति गुरुचरण मुंडा, तो इनसे जानते हैं कि हर काम में जो रीना देवी हैं हर काम में उनको आप सपोर्ट करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट एक काम हुआ है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। वेब समाचार में पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, मेरा नाम गुरुचरण मुंडा जी। जी ये बताइए कि जनता आपकी पत्नी को 5 साल के लिए मौका दिया था, हालांकि 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो इन 5 सालों में आपने क्या कुछ उपलब्धि हासिल की है? 5 सालों में लगभग प्रधानमंत्री आवास 164 घर को मिला है, लोग दिए हैं, पेंशन आपका 510 है और सिंचाई के लिए कूप निर्माण जो है 15, जल नल योजना 1 है, जल मीनार कम से कम 16 जगह लगाया गया है। 16 जगह लगाया गया। अच्छा ये बताइए कि चूंकि 5 सालों में आपने बेहतर काम किया है जो आपने बताया, इस दौरान आपका कोई ऐसा काम जो आपको लगा कि ये मैंने जो बेहतर किया है पूर्व के मुखिया के द्वारा नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं, जैसे केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की योजनाएं हैं उसको तो आपने 100% धरातल पर उतारने का काम किया है जो आपके फंड में आया है। हाँ हाँ जी। कोई ऐसा नली गली जो आपने बनवाया जो पहले से नहीं बना हुआ था और आपके रीजन में वो बना? वो तो है, वैसा बहुत सारा है। अभी यहाँ पर बगीचा टोली में काम हो रहा था, नली का, जो पूर्व के मुखिया के द्वारा नहीं हुआ था। नहीं हुआ था लेकिन आपके काल में हुआ। हाँ। कोई समस्या तो नहीं आई? समस्या तो नहीं आई। तो आखिर पूर्व के मुखिया द्वारा मतलब क्यों नहीं कराया गया था, आखिर कारण क्या हो सकता है? पूर्व के मुखिया कारण नहीं है, बजट नहीं था इसीलिए नहीं कराया गया। बजट नहीं था। अच्छा, अपने पंचायत के विकास के लिए आपने कुछ सोचा होगा कि जो फंड आता है उस फंड से नहीं होता है, तो झारखंड सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं कि चाहे MP MLA कोटा हो या MLC कोटा हो, इससे अपने पंचायत के विकास के लिए कुछ सोचा है, कुछ डिमांड किया है? सोचे हैं जी। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि किसान सब के लिए कि जो कल्याण विभाग के द्वारा डीप बोरिंग होता है वो किसानों को मिले और उससे वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन बसर करें। मतलब झारखंड सरकार से आप डिमांड करते हैं? हाँ, कि जो किसानों के उत्थान के लिए डीप बोरिंग का व्यवस्था हो ताकि वो अपने खेती बाड़ी सही ढंग से और सिस्टमेटिक ढंग से कर सके। अच्छा, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या वही पानी का है। पानी का है और इसका निवारण आपने किया? पानी का तो किए हैं लेकिन जितना करना है उतना कर नहीं पाए। जितना करना चाहिए थे उतना कर नहीं पाए, आखिर कारण क्या हो रहा है? कारण यही है कि जो योजना है कल्याण विभाग के तरफ से वो संपूर्ण रूप से जानकारी हम लोग को पहले नहीं था, अब है। अब है। हाँ, अब हम लोग चाह रहे हैं कि कल्याण विभाग द्वारा जितने भी किसान भाई हैं वो सभी को बोरिंग का व्यवस्था कराएं और बढ़िया से खेती करने का निर्देश देंगे, खेती बाड़ी जो है जितने भी अच्छे फसल हैं वो अपना सब कर सके। हाँ।
अच्छा ये बताइए कि इस पंचायत में कितने लोगों को शौचालय बनवाए, कितना शौचालय बना है? इस पंचायत में टोटल बना है 873 शौचालय। आवेदन कितने आए थे? आवेदन तो आए थे लगभग 1500 आसपास। 1500 क्या है और कितना बोले कितना पास हुआ? 873। अच्छा तो कुछ जो पेंडिंग काम बचे हुए हैं उनका भी पूर्ण हो ही जाएगा? हाँ होगा। अच्छा ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति है, चूँकि अति शीघ्र जो है आचार संहिता लागू होगा और पंचायत चुनाव को लेकर के, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, आरक्षण को लेकर के चल रहा है कि किस तरह से आरक्षण को लेकर के किस तरह से मॉडिफाइड किया जाए, इसको लेकर बहस चल रही है। MP में भी चुनाव होने वाले थे, वहाँ भी रोका गया है इस आरक्षण मुद्दा को लेकर के, तो अति शीघ्र जो है इस पर रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर चुनाव होगा। तो आगे की क्या तैयारी है आपकी, आप क्या कुछ सोचे हैं? क्या सोचेंगे, यही है कि जो हम लोग काम किए हैं, जो काम करता है वो तो ग्रामीण के ऊपर में है कि कैसा है। अगर अच्छा काम किए होंगे तो अगला फिर से हम ही तो जनता मौका देगा, लेकिन अगर अच्छा अगर नहीं किए हैं तो फिर सब पब्लिक का नहीं वो तो ठीक है आप, लेकिन अगर आप पे जनता भरोसा करती है तो आपने कुछ सोचा होगा ना अपने स्तर से कि कुछ मैं अलग से बेहतर काम करूंगा। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार तो जो योजना है आपको करना ही है, लेकिन अलग से आपने क्या कुछ सोचा है कि अगर जनता दोबारा से मौका देती है तो मैं ये काम करूंगा जो लोग याद करेंगे कि मैंने ये विकास किया? देखिए सोचे तो हैं, क्या कुछ सोचे हैं? सबसे पहले तो जल नल का व्यवस्था करना है प्रत्येक घर में। अच्छा दूसरा है कि शिक्षा के प्रति जहाँ पर ही सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल को दुरुस्त करें, जो कमियां हैं वो सारे कमियां को हम जाके जानकारी लेंगे, लिए भी हैं, और स्कूल में जो भी त्रुटि होगा शिक्षा को लेकर उसको सबसे पहले ठीक करेंगे। मगर यानी अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो सबसे पहले आप शिक्षा, नल जल योजना जो है उसको आप घर घर पहुंचाएंगे, शिक्षा को दुरुस्त करेंगे और स्वास्थ्य को लेकर भी आगे की रणनीति आपकी होगी? हाँ स्वास्थ्य को लेकर तो अभी तक ठीक है, ठीक है, हाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक रेवेन्यू विलेज में आपका उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर NM बैठता है, और अगर ज़्यादा अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो सुविधा ये है। सुविधा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि रीना देवी के पति हैं गुरुचरण मुंडा जी, तो इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य, शिक्षा और मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी अति महत्वपूर्ण जल नल योजना को हर घर पहुँचाऊँगा। चूँकि लोगों को गांव देहात यानी नदी पोखर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, अगर जल जो है अगर घर में ही हो जाएगा तो किसी को इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं क्या कुछ विकास किए हैं, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएँ ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो सकें। धन्यवाद।